नमस्कार, आप सभी का ई न्यूज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वेश तिवारी आपके साथ लेकर आया हूं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य की बैठक। विकास नगर देहरादून ग्रामीण में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का किया भव्य स्वागत। पूरा मामला उत्तराखंड के विकास नगर का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने शिरकत की और मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष के विकास नगर में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में एवं अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य की उपस्थिति में परिचय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी देहरादून ग्रामीण जिले के जिला अध्यक्ष मीता सिंह, अनुसूचित मोर्चा के अनेकों पदों पर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता छेदीराम भारती बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चे के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं व सरकार की उपलब्धियों को अनुसूचित समाज तक पहुंचाने के लिए बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। बैठक का संचालन अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री विकास मुल्तानी व नरेश कुमार ने किया। बैठक में जिले के समस्त पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ टुडे से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। अनियंत्रित होकर रोलर एक घर में जा घुसा। इस दौरान घर के बाहर बैठे मकान मालकिन देवंत कौर की मां और भाई के जान बाल बाल बच गई। नजारा देख लोगों की भीड़ घटना स्थल पर एकत्रित हो गई। घर का नुकसान होने पर मकान मालकिन आक्रोशित नजर आई। मौके पर रोलर का ड्राइवर फरार हो गया। कुछ देर बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता राजेश चौहान और कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार पहुंचे। उन्होंने घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। मकान मालकिन का भरोसा दिया कि उनके मकान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा, जिसके बाद मकान मालकिन का आक्रोश शांत हुआ। सहायक अभियंता राजेश चौहान ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग का सरकारी रोलर G20 के कार्य को पूरा करने के लिए जा रहा था। इस दौरान ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल मकान मालकिन को लिखित रूप से पत्र देकर बता दिया गया है कि जल्द ही उनके क्षतिग्रस्त मकान की रिपेयरिंग करा दी जाएगी। विकास नगर क्षेत्र में कई मजारे ध्वस्त होने के बाद अब बाबा भूरे शाह पर चस्पा सरकारी नोटिस। कई वर्षों से बना बाबा भूरे शाह दरगाह पर चलेगा बुलडोजर। तिमली रेंज विभाग ने कहा, यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी साक्ष्य के साथ दावा करना चाहता हो तो दस्तावेज के साथ पहुंचे वन रेंज विभाग। तिमली रेंज के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बना भूरे शाह दरगाह की स्थापना के संबंध में यदि कोई संस्था या व्यक्ति वैध होने का दावा करना चाहता है तो अपने दावे के संबंध में साक्षी अभिलेख को लेकर 27 तारीख को कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी को उपलब्ध कराएं। अन्यथा आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित भूरे साहब को अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए अतिक्रमण को खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। ए न्यूज़ टुडे से मनीष उपाध्याय की रिपोर्ट। विकास नगर में फिर छाया गुलदार का आतंक। फिर एक बार गुलदार का आतंक आया सामने। पूरा मामला विकास नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बरोटीवाला का है, जहां एक स्थानीय निवासी के घर पर रात्रि के समय गाय और भैंस के बछड़े को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। आपको बता दें कि पूर्व में भी गुलदार के द्वारा शंकरपुर महमूद नगर में एक मासूम बच्चे को आदमखोर गुलदार ने मार दिया था। आखिर गुलदार के द्वारा यह मौत का खूनी खेल कब तक रुकेगा? कब वन विभाग अपनी सोई हुई गहरी नींद से जागेगा? जनता अपने दिल में यह सवाल लिए डर में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। एनी टुडे से मनीष उपाध्याय रिपोर्ट।